दिल्ली के अंदर एक साल में दूसरी बार मेट्रो का किराया बढ़ाने का ऐलान मेट्रो की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि डीएमआरसी के साथ मीटिंग करके इस बढ़ोतरी को रोकने का उपाय निकाला जाए। कल दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डीएमआरसी के चेयरमैन मंगू सिंह जी को सचिवालय में बुलाया था और सरकार के जो पक्ष हैं, जनता के जो पक्ष हैं, उसको उनके सामने रखा। लेकिन उसके बाद आज अखबारों में फिर छपा है कि 10 तारीख से किराया बढ़ाया जाएगा। मेट्रो की तरफ से जो इसके लिए कारण गिनाए जा रहे हैं कि मेट्रो घाटे में चल रही है, इसलिए किराया बढ़ाना अब अनिवार्य हो गया है। आम आदमी पार्टी का 3 प्रश्न है मेट्रो प्रशासन के साथ। पहली बात कि आज आपने मई में किराया बढ़ाया था, मई में किराया बढ़ाने के बाद पिछले 6 महीने में ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है जिससे अचानक मेट्रो घाटे में चली गई है, जिससे आपको 6 महीने बाद दोबारा आप किराया बढ़ाने की नौबत आई है। मेट्रो दिल्ली के अंदर सुगम, सरल और सुरक्षित यातायात की सुविधा देने के लिए जानी जाती है। मेट्रो जब से बनी है, एक विजन के साथ बनी है, एक सिस्टम के साथ बनी है, लेकिन आपको 8 साल तक कोई चिंता नहीं रही कि मेट्रो घाटे में जाने वाली है। 8 साल तक आपने कोई किराया नहीं बढ़ाया। अचानक आप एक साल में दो दो बार किराया बढ़ाने का निर्णय ले रहे हैं। कोई आपात स्थिति नहीं आई है 2017 में। दूसरी बात कि मेट्रो का किराया बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार मेट्रो को संचालन में केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी सहयोग करती है, और दिल्ली सरकार ने जब पिछले साल कमेटी बनी थी 2016 में अप्रैल के महीने में कमेटी बनी थी, उसके बाद दिल्ली सरकार से व्यू पॉइंट मांगा गया था और दिल्ली सरकार ने उस समय भी अपना व्यू पॉइंट मेट्रो के सामने रखा था कि दिल्ली के अंदर किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए मेट्रो का, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पूरी दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं जिस प्रदूषण की समस्या से, हमने ऑड इवन लागू किया दिल्ली के अंदर। ऑड इवन लागू करने और उसकी सफलता में जो सबसे वैकल्पिक व्यवस्था रही वो मेट्रो रही। लोगों ने कार छोड़े तो मेट्रो का सहयोग लिया। आज अगर मेट्रो का किराया बढ़ता है तो मेट्रो का किराया बढ़ने से लोगों को और वैकल्पिक साधन की तरफ जाना पड़ेगा और उससे दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो समस्या है और बढ़ेगी। इसलिए हमने 2016 में भी ये ऑब्जेक्शन किया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया ना बढ़ाया जाए, दिल्ली में इसको और सुगम और सरल बनाने की जरूरत है। जहां तक घाटे की बात कह रही है मेट्रो, आपको बताना चाहता हूं कि जो फैक्ट सामने आए हैं,
2016 जून में लगभग 27,02,000 राइडरशिप थी, और जब किराया बढ़ाया गया है जून मई में किराया बढ़ाया गया, इस साल जून 2017 की जो राइडरशिप है वो घट करके 27 लाख से घट करके 25 लाख हो गए। तो आपने किराया भी बढ़ा दिया, जब राइडरशिप ही घट गई तो आपकी आमदनी भी घट गई। तो जो पैसा आने का इनकम के स्रोत के रूप में किराया बढ़ाने की जो लॉजिक दी जा रही है, उससे अगर टोटलिटी में देखें तो मेट्रो को इनकम तो कम ही हुआ जब राइडरशिप ही आपकी घट गई। अब जो राइडरशिप घटी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट की, और एक साल में जो दोबारा किराया बढ़ाने का निर्णय ले रहा है डीएमआरसी, उससे और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ करके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो दिल्ली के जिंदगी के लिए, दिल्ली के एनवायरनमेंट के लिए घातक है। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर इसके पक्ष में नहीं है, और हमने ये निवेदन किया है कि इस पर जो कमेटी ने इसका फैसला लिया है, इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और ये जो दोबारा किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर डीएमआरसी किसी भी दबाव में अगर 10 अक्टूबर को किराया बढ़ाने के फैसले पर अडिग रहती है तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, और इसको लेकर के हम जनता के बीच में भी इसको लेकर के हम जाएंगे, और हम किराया बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि कल मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात रखी, कल मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई है, सकारात्मक रुख अपनाते हुए जनता की तकलीफ़ों को, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी इस पर पुनर्विचार करेगी, और जहाँ तक उसके आर्थिक पक्ष का पहलू है उसके लिए एक सस्टेनेबल, एक व्यवहारिक और एक दीर्घकालिक विजन के साथ एक सिस्टम बनाएगी, जिससे कि अचानक जनता के ऊपर मार न पड़े और दिल्ली के लोगों को मेट्रो की सुविधा भी सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके। ये हमारा निवेदन है। अभी मंडे को हम अपने विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी डीएमआरसी के चेयरमैन के पास भेजेंगे, जो इस बात को पार्टी की तरफ से डीएमआरसी को लिखित तौर पर पार्टी का जो स्टैंड है वो उनको देंगे, और अगर उसके बाद भी डीएमआरसी अगर अड़ी रहती है तो फिर हमारे पास इसको विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।